हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स सिंधप में आपका स्वागत है। एज यू ऑल नो, वी आर हेल्पिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इन देयर एडमिशन प्रोसेस। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई करने से पहले आपको कॉलेजेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं, एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर पाओ, जैसे कि कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज पैकेज कैसा है, कौन सी कंपनीज आ रही है, फीस कितना है कॉलेज का, लोकेशन क्या है कॉलेज का, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे एडमिशन के टाइम। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे पुणे के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर CSIT, और ये लिस्ट बनाने के लिए मैंने 3 फैक्टर्स कंसीडर किया बेसिकली। तो फर्स्ट इज कट ऑफ, सेकेंड इज प्लेसमेंट, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, थर्ड इज फैकल्टी कैसी है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। फीस भी देखना है, लोकेशन भी देखना है, वो सारे कॉलेजेस का मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना, और पुणे में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, जो कि ऑलरेडी MID प्रो पे डाल दिया है हम लोग ने, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर नहीं किया, क्योंकि आगे मैं जितने भी कॉलेजेस हैं उनका रिव्यूज एंड कंपैरिजन डालूंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे कॉलेजेस के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलेज जो हमारे लिस्ट में है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये एक्चुअली पुणे का ही नहीं, महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, एंड बहुत ही पुराना कॉलेज है और बहुत ही फेमस कॉलेज है। ये कॉलेज के बारे में जो डिटेल्स है हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट देखेंगे कंपनीज देखोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सैप लैब्स, अमेजॉन, ओरेकल, ये सारी कंपनीज ना बड़ी बड़ी IT MNCs है, और इन्हें ड्रीम कंपनीज भी बोलते हैं। तो ये बहुत, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एक बार एडमिशन लेता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे ड्रीम कंपनीज में वो जाए। और एक अगर कॉलेज का वेबसाइट भी विजिट करोगे तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे इसका जो हाईएस्ट पैकेज मिलेगा वो अराउंड 40 लाख मिलेगा, तो बट वो 2 या 3 लोगों को ही मिलता है, तो आपको उसके लिए बहुत एफर्ट और वो स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे एवरेज पैकेज, जिससे पता चलता है कि हाँ ओवरऑल स्टूडेंट्स को कितने पैकेजेस मिल रहे हैं। तो एवरेज पैकेज इज अराउंड 6 to 7 lakh। फीस जो है वो 90,000 के अराउंड है, वो हर साल चेंज होता रहता है, 2,000-3,000 कम ज़्यादा होता रहता है, तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। टाइप इज गवर्नमेंट ऑटोनोमस, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है, इसीलिए फीस भी कम है। लोकेशन है शिवाजी नगर। तो ये कॉलेज एक्चुअली इसका कंपेरिजन VGTI से होता है मुंबई के, मैं कंपेरिजन वीडियो बाद में डालूंगा। सो नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं जो हमारे लिस्ट में है, दैट इज PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये है कॉलेज, बहुत ही अच्छा कैंपस है इसका भी। कंपनीज जो आती है कॉलेजेस में वो देखोगे आप, डॉश बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, एमडॉक्स, हनीवेल एक्सेट्रा, और भी बहुत कंपनीज है। और मैं फर्स्ट कॉलेज जो हमने देखा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उस कॉलेज में जितने भी कंपनीज आती है उसका लिंक उसका लिस्ट मैं लिंक में डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिलेगा आगे। आपको स्टार्टिंग से ही अगर पता होगा कि ये सारी ड्रीम कंपनीज है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, तो उसका लिस्ट मैं डाल दूंगा। मेजोरिटी वो कंपनीज हैं, वो टॉप कंपनीज हैं IT में, तो आप अगर उसके लिए टारगेट करते हो स्टार्टिंग से, तो डेफिनेटली आप वो जो हाईएस्ट पैकेज मिलता है स्टूडेंट्स को, उस लिस्ट में आ सकते हो। तो नाउ कंपनीज मैंने बता दी, ये आती है, एवरेज पैकेज 6 to 7 lakh, सेम अराउंड उसके अराउंड है, बट ये है कि ये प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट था, बट फीस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ये इसका लोकेशन धनकावड़ी में, तो आप ऑब्वियसली पहला प्रेफरेंस आपका COAP होगा, अगर वो नहीं मिलता है तो सेकेंड ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। थर्ड इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कॉलेज एक्चुअली में बहुत अच्छा है, VIT बोलते हैं, और जो कंपनीज आती हैं वो है डिलॉयट, एनवीडिया, हनीवेल, ओरेकल। अब देखोगे आप एग्जैक्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी ना, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वो कंपनीज आपको आगे के कॉलेजेस में नहीं दिखेंगी, वो स्टार्टिंग के टॉप 3 या 4 कॉलेजेस में भी आती है, वो हर साल भी नहीं आती है, उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो चेंज करते रहते, चूज करते रहते। तो एवरेज पैकेज इसका थोड़ा कम हो गया, 5 to 6 lakh हो गया। फीस देखो इसका बहुत है, फीस आप वेबसाइट पे चेक करते रहना, बिकॉज हर साल अपग्रेड होता है, तो फीस बहुत है। और ये प्राइवेट है, ऑटोनोमस है। आप देखोगे मुंबई हो या पुणे हो, जितने भी कॉलेजेस हैं जिनका प्राइवेट ऑटोनोमस है, उनका फीस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मुंबई में KJ Somaya हो गया, उसका फीस बहुत ज़्यादा हो गया, RAIT हो गया, उसका फीस बहुत ज़्यादा है। तो प्राइवेट ऑटोनोमस की फीस मोस्टली ज़्यादा होता है। लोकेशन बिबलीवाड़ी है। तो ये कॉलेज अपना थर्ड है, एंड स्टार्ट विथ द फोर्थ कॉलेज जो हमारा है, पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स में हम लोग कंपनीज देखेंगे डायरेक्ट, और मैंने ना कंपनीज का वेरिएशंस रखे हैं, सेम कंपनीज आपको नहीं दिखाया है, ताकि आपको कंपनीज के नाम भी पता हो और डिफरेंशिएट कर पाओ कौन सी कंपनीज क्या करती है।
तो डायरेक्ट है एडोब, वीएमवेयर, डेसॉल, फ्लिपकार्ट, आईबीएम, आईबीएम ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं। एवरेज पैकेज 4 to 5 lakhs है, फीस ईयरली 137। टाइप प्राइवेट ऑटोनोमस, ये भी वही है, लोकेशन लिख दी है। तो हमारा फोर्थ कॉलेज है, फिफ्थ कॉलेज इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो विश्वकर्मा था, वीआईटी था, ये वीआईआईटी है, तो कन्फ्यूज मत होना, दो कॉलेज है विश्वकर्मा के और वो दोनों भी लिस्ट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नाउ द कंपनीज आर डेसॉल्ट, टाटा लेक्सी, टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस। अभी ना आप नए हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी कि जो टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस ये जो कंपनीज है ना, मोस्टली सारे कॉलेजेस में आती है, ठीक है। और ये ड्रीम कंपनीज में नहीं आती है, बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ठीक है। तो डेसॉल्ट हो गया, ये एक ड्रीम कंपनी में बोल सकते हो क्योंकि वो पैकेज अच्छा देती है। बाकी कंपनीज का पैकेज अराउंड 3-3.5 lakh ही होता है। एवरेज पैकेज पूरे कॉलेज का जो है वो है 4.5 lakh ये ब्रांच के लिए। फीस इज 164, फीस थोड़ा ज़्यादा देख लो, प्राइवेट है, ऑटोनोमस है, तो फीस ज़्यादा है। लोकेशन लोकेशन इज कोंडवा। तो नेक्स्ट कॉलेज पे जाते हैं, दिस इज पीवीजी, इसको पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, पुणे विद्यार्थी गृह। कॉलेज को ऐसा दिखता है एंड द डिटेल्स आर, ये कंपनीज आती है परसिस्टेंट, एक्सावेयर, वीएमवेयर, ऑप्टिक्स। 4.4.5 lakh है, 4 से 4.5 lakh, थोड़ा सा कम हो गया देखोगे पहले कॉलेज से। और ये प्राइवेट है, फीस थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। फीस कम है, ये रीज़न ये भी है कि इसका लोकेशन थोड़ा पार्वती पेठा के साइड है। तो पीवीजी हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। तो नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, जो डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। डीवाई पाटिल के बहुत सारे कॉलेजेस है, कन्फ्यूज मत होना, आपको चूज़ करना है लोकेशन वाइज, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो ये कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है, इसके कॉलेजेस, इनके कॉलेजेस मुंबई में भी है, पुणे में भी है। तो कंपनीज जो आती है, इमर्जन, वैल्यू लैब, वेरिटास, आरबिल बैंक, बेसिकली ये जो टॉप 10 कॉलेजेस है, इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सीएसआईटी में तो पक्का प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली प्लेसमेंट बोलना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि प्लेसमेंट की वजह से, बिकॉज प्लेसमेंट सब कुछ नहीं है, आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्किल्स है तो आपको इंजीनियरिंग में कहीं पर भी जॉब मिल जाएगा, बट एक सिक्योरिटी फैक्टर कंसिडर करते हैं पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते टाइम, तो इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये। तो आपको प्लेसमेंट सीएसआईटी वालों को पक्का मिल जाएगा टॉप 10 कॉलेजेस में। तो एवरेज पैकेज 4 से 4.5 lakh, जो कम हो गया पहले के कॉलेज से। 123 इज द फीस एंड प्राइवेट है, अकूदी में, लोकेशन बहुत अच्छा है कॉलेज का। तो जो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है वो है AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते हैं। कॉलेज बहुत अच्छा है, तो उसके डिटेल्स है यहाँ से आप देखोगे ना, जो कंपनीज आती हैं वो एवरेज पैकेज 3 to 4 lakh ही देती है, और ये सारी ना सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। जो COEP में और या PICT में आती थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, तो इसीलिए उनका पैकेज भी बहुत अच्छा होता था। ये सर्विस बेस्ड कंपनी, इनका पैकेज 3 to 4 lakh में ही होता है। एंड फीस इज 136। टाइप इट्स प्राइवेट, लोकेशन कैनेडी रोड है। एंड ये लिस्ट में ना एक और कॉलेज है, कमिंस कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है, पर वो जनरल कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए मैंने नहीं डाला है, पर उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। सो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, बेसिकली मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। कॉलेज बहुत अच्छा है एंड हमारे लिस्ट में ये 9th नंबर पे है। कंपनीज सिंटेल, जेंसार, विप्रो, एम्फेसिस, एक्सावे, डायरेक्ट है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। प्राइवेट कॉलेज में आपको देखोगे कंपनी के वेरिएशन ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज में। एवरेज पैकेज 3 to 4 lakh है, फीस इज इट्स गुड, ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। 1 lakh इज प्रिटी डिसेंट, जितने हमने बाकी कॉलेजेस के फीस देखे उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। प्राइवेट लोकेशन शिवाजी नगर है। तो जो लास्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है वो है राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसको JSPM भी बोलते हैं। तो JSPM के दो कॉलेजेस है, तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना। जो कंपनीज आती है, गोदरेज है, जेंसार है, टेक महिंद्रा, कैप जेमिनी। प्लेसमेंट जो है, एवरेज पैकेज वो सेम ही है एंड 1 lakh 10,000 इज द फीस। टाइप इज प्राइवेट है, ऑटोनोमस है कॉलेज एंड ये बेसिकली पिंपरी चिंचवाड में ही आता है, तथावड़े में। तो ये हमारा कॉलेज का लिस्ट है, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ पुणे, जो कि एंड होता है। मैं पूरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो नो वरीज। एंड प्लीज़ शेयर करो ये वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आपको एडमिशन प्रोसेस में जो भी हेल्प चाहिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।